धन्यवाद सभापति जी। आजादी के बाद देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई जिसके कारण देश में एक पैरेलल इकोनॉमी, समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। और इस समांतर अर्थव्यवस्था ने काला धन, जिसको हम कहते हैं, जिस पर टैक्स भरते नहीं है, ऐसा एक धन का संग्रह खड़ा होने लगा। धीरे धीरे करके टैक्स के इवेजन के कारण, देश की तत्कालीन सरकारों के कारण, ये जो धन बढ़ता गया काला, वो विदेशी बैंकों में जमा होने लगा और उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि हमारे सामने जो आंकड़े आए, कोई 1 लाख करोड़ कहते हैं, कोई 10 लाख करोड़ कहते हैं, सरकार की विभिन्न एजेंसियां 25 लाख करोड़ तक कहती हैं, 25 लाख करोड़ जितना काला धन विदेशों की बैंकों में जमा है। 2009 का चुनाव मुझे याद है, सबको परिचित उसका पता था कि देश में काला धन पैदा होता है। श्रद्धे अडवाणी जी ने चुनाव में इसको आम जनता का मुद्दा बनाया। तब दुनिया, पूरे देश को पता चला कि देश के काले धन के कारण आज जो देश की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, उसके मूल में क्या है। तो देश में जो काला धन लाने में सरकार कांग्रेस की विफल रही, उसके कारण यह देश की स्थिति पैदा हुई, उसके कारण पूरे देश आंदोलित हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि जब सारे देश में इसकी चर्चा हुई, देश में उसके बाद जन आंदोलन शुरू हुआ, जो बात हमने उठाई हमारी पार्टी के नेतृत्व ने, आज श्रद्धा अडवाणी जी ने, उसको लेकर के देश के विभिन्न समाज सेवकों ने, अनेक संस्थाओं ने देश में आंदोलन किए। आज भी रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा है, पूरा देश उसमें साथ जुड़ा हुआ है। आपको आंदोलन से, आपके आंदोलन के तरीकों से, पाठक जी आसन की ओर देखिए, आंदोलन के तरीकों से उन्हें ऐतराज हो सकता है, मगर आंदोलन का जो मुद्दा है, जो मेरी पार्टी ने उठाया, कि आप नहीं चाहते कि देश का काला धन वापस आए, आप नहीं चाहते। पाठक जी, हमने मांग की थी, इधर हमने मांग की थी, काला धन के साथ है खिलाफ सभापति जी, हमने मांग की थी कि काला धन के बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाए। श्वेत पत्र कर दिया उन्होंने। आप हमारी ओर आसन की ओर देख के, आप उधर देखते क्यों हैं? आप आसन की ओर देखिए हिरण जी, आप आसन की ओर देखिए सभापति जी, प्लीज। आई एम नॉट यील्डिंग प्लीज। सभापति जी नथिंग विल गो इन द प्रोसीडिंग एक्सेप्ट पाठक जी। हमने मांग की थी कि काले धन के बारे में इतनी उत्तेजना है, देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, तो उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। वो किया सदन में, तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने श्वेत पत्र रखा, मगर श्वेत पत्र में छिपाया ज्यादा, बताया कम। परिस्थिति ये हुई देश में कि फिर दोबारा आंदोलन शुरू हो गया है। मुझे इस बात की बहुत दुख है और वेदना और पीड़ा है, हमारा तंत्र कैसा है, हमारी सरकार कैसे चलती है। जब दुनिया के दूसरे देशों में, सभापति जी, यूएन रिजोल्यूशन के बाद, यूएन, अरे बैठो विक्रम जी, आपका विषय नहीं है, आप गुजरात में चिल्लाओ, प्लीज। आप आदरणीय पाठक जी, आप अपने उलझते हैं, मैं कहता हूं आसन की ओर देखिए। यूएन रिजोल्यूशन के बाद, ध्यान से सुनिए सदन को, मैं प्रार्थना करता हूं, यूएन रिजोल्यूशन के बाद छोटे छोटे देशों ने अपने, उनके देश का जो काला धन विदेशी बैंकों में जमा था, उनको वापस ले लिया। छोटे देशों ने ले लिया वापस, अपना काला धन देश में वापस लाए, देश की प्रगति उन्नति में वो काम लगा। हमारी सरकार ने कहा कि 2012 अप्रैल तक के बाद, उसके बाद हम काला धन वापस लाने के लिए ट्रीटी करेंगे, समझौता करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 2012 अप्रैल तक
आपने सरकार ने, यूपीए सरकार ने इस देश में से जो काला धन विदेशों में करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है उनको वापस लाने के लिए कोई कदम उठाया नहीं, मगर उनको छूट दे दी कि आप काला धन कहीं और ट्रांसफर कर दो। कितना बड़ा आपने अपराध किया देश के साथ। मैं जानना चाहता हूं कि 2012 की अप्रैल पूरी हो गई, 2012 अप्रैल की समझौते पूरे हो गए, उसके बाद सरकार बताए कि कितने पैसे आपने काला धन के रूप में देश में वापस लाए। अभी हमारे प्लीज कंक्लूड। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आज आंदोलन के अंदर, प्लीज सुनिए, ये मेरी और आपकी इज्जत का सवाल है, मेरी आपकी इज्जत का सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ हिरेन जी, मुझे लगता है सभापति जी, मुझे लगता है कि काला धन के बारे में सरकार छुपाती है क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनका बहुत भारी मात्रा में काला धन विदेशों की बैंकों में पड़ा है, इसलिए वो अपना नाम सब देश को बताना नहीं चाहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि देश जानना चाहता है किन किन लोगों के पैसे हैं। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है, उसमें ऐसा है कि सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े नेता और कुछ लोगों के पैसे विदेशों के बैंकों में है। उसके कारण सरकार काले धन के बारे में कोई ठोस कदम उठाती नहीं है। मेरी आपसे मांग है कि सरकार बताए कि 2012 की अप्रैल के बाद छोटे छोटे देशों ने जब ये काला धन अपने देश में वापस लिया तो भारत सरकार कब लाएगी और क्या कदम उठाएगी। आज जो आंदोलन चलता है वो देश का उसके साथ समर्थन है और देश जानना चाहता है ये काला धन देश में कब वापस आएगा। धन्यवाद।